परमवीर चक्र। परमवीर चक्र विजेता सिक्स राजपूताना राइफल्स के कंपनी हवलदार मेजर पेरू सिंह का अंतिम युद्ध। सन 47 के नवंबर में मेजर सोमनाथ शर्मा ने श्रीनगर को तो बचा लिया, लेकिन उसके बाद कबायली लुटेरों के साथ पाकिस्तानी फौज के दस्ते शामिल हो गए और हिंदुस्तानी फौज के साथ जगह ब जगह लड़ते रहे। जुलाई सन 48 तक हिंदुस्तान की फौज ने उनको श्रीनगर से फिर वापस बारामूला तक भगा दिया था और अब आगे बढ़ने की तैयारी थी। यहाँ जमा थी गुरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट और इन्हीं में पीरू सिंह भी था और उसके दोस्त निहार और बच्चन और उनका कमांडर कैप्टन दत्त। हमारे ब्रिगेड के तीनों बटालियन सिख, गोरखा और राजपूताना राइफल्स ने दुश्मन को श्रीनगर से खदेड़कर बारामूला तक पहुंचा दिया। अब हमें यहां से 30 मील दूर उड़ी शहर पर हमला बोलना है और कबालियों को कश्मीर की सरहद से बाहर पहुंचा देना है। जवानों तैयार हो जाओ। बटालियन कमांडर्स टेक चार्ज। सर, दुश्मन को बहुत बड़ी शिकस्त मिली है और वो भाग रहा है। वेरी गुड। उसको चैन ना मिलने पाए, पीछा करते रहो। सर, एक पाकिस्तानी जवान पकड़ा गया है, उसका नाम सरवर खान है। उससे पता चला है कि दाराबाड़ी के पहाड़ से हमें खतरा है। वहाँ का एक पाकिस्तानी टुकड़ी है जो हमारी वायरलेस की सारी खुफिया बातचीत सुनकर दुश्मनों तक पहुँचाती है और हमारा लड़ाई का सारा नक्शा उन तक पहुँच जाता है। हमारी फौजों को खतरे में डाल सकती हैं सर, और हम पर हमला भी हो सकता है। उस टुकड़ी को खत्म करना होगा। उस टुकड़े में कितने जवान हैं इसका हमें अंदाजा नहीं, लिहाजा पूरी एक कंपनी लेकर उन पर हमला बोल दो। कौन से रेजिमेंट की कंपनी सर? राजपूताना राइफल्स।
अल्फा 3 टाइगर बोल रहा हूँ, ओवर। तुम्हारी बटालियन वापस आएगी, ओवर। लेकिन हम दुश्मन का पीछा कर रहे हैं। सिख बटालियन और गोरखा बटालियन दुश्मन का पीछा करते जाएंगे, तुम वापस आ जाओ, आउट। फिगा सिंह कंपनी वापस जाएगी। जी सर। ऑर्डर्स के मुताबिक कई मील पैदल चलकर पीरू सिंह और उसके साथी वापस जा रहे थे। बीका सिंह, पीरू, वो चोटी देखो जिसका नाम दारापारी है, 11,000 फुट ऊंची, 10,000 फुट तक जंगल, उसके बाद सूखा नंगा पहाड़। वहाँ एक पाकिस्तानी टुकड़ी जो कि खतरनाक साबित हो रही है, हमें उस पर कब्जा करना है। तैयारी करो। वायरलेस पर हिंदुस्तानी फौज की कोई और खबर पकड़ी? मैं उनकी फ्रीक्वेंसी पर हूँ जनाब, उनकी बटालियन उरी से आगे टिटवाल जाने की तैयारी में है। अपने हेडक्वार्टर को कह दो कि हम इंतजार में हैं, हिंदुस्तानियों की कोई भी खबर पकड़ी गई तो फौरन इत्तला की जाएगी। जी जनाब। होशियार रहना, जो कोई भी इधर आएगा उसे फोन डालेंगे। जनाब, हम तो यहाँ जम के बैठे हैं, दुश्मन हजार की तादाद में भी आए तो हम उसे चंद मिनटों में भून के रख देंगे। शाबाश, अभी कश्मीर पर और हमला करना है, कश्मीर फतह करना है। और उसी दिन 23 मील का एक और लंबा सफर शुरू हुआ, 10,000 फुट की बुलंदी तय करने के लिए। वो देखो हिंदुस्तानी चले आ रहे हैं। पेड़ खत्म होते हैं, रात होने से पहले वहां पहुंचना है। चलो।
यहीं कैंप करेंगे। टेंचे खोद लो, बहुत होशियारी की जरूरत है। शोर जरा भी नहीं होना चाहिए। कोई दिया सलाई नहीं चलाएगा, बीड़ी नहीं पिएगा। खांसना तक मना है, बहुत एहतियात की जरूरत है। दुश्मन वहां ऊपर है, उसे भनक तक नहीं पड़नी चाहिए कि हम लोग यहां पर हैं। ठीक है साहब। अल्फा 3 अर्जेंट मैसेज फास्ट टाइगर, ओवर। अल्फा 3 टाइगर लिसनिंग, पास योर मैसेज, ओवर। हम अपने फर्म बेस पर पहुंच गए, ओवर। वेरी गुड, ओवर। कल रात 1:30 बजे हमला शुरू होगा, ओवर। गुड, वेरी गुड, ओवर। हमले के लिए जरूरी है कि पहले दुश्मन की चौकी पर तोपों से गोलाबारी की जाए, हमें तोपखाने की मदद चाहिए, ओवर। गोलाबारी की मदद तुम्हें जरूर मिलेगी, मैं इंतजाम कर रहा हूँ, तोपें कल शाम तक तुम्हारे पास पहुँच जाएंगी, ओवर। अल्फा 3 थैंक यू, आउट। कल रात तोपें आ रही हैं विकास सिंह, सब इंतजाम हो गया। अपनी अपनी ट्रेंचे खोद लो, लेकिन होशियारी से, आहिस्ता, ज्यादा आवाज नहीं होनी चाहिए। आहिस्ता। अरे अब्दुल सुनो, ये आवाज कहां से है? लगता है कोई खोद रहा है, सुनो तो। तुम्हें कुछ सुनाई दिया? कुछ नहीं। बच्चा, बेवकूफ, यहां खांसना मना है यार, कमांडर तुझे वापस भेज देगा, पागल। आराम से, शाबाश। मेरा ख्याल है अब हम लोगों को पूजा करके सो जाना चाहिए। हाँ, और तू अब खांसना बिल्कुल नहीं। तू क्या कर रहा है यार? रात का वक्त है, दुश्मन को रोशनी नजर आ जाएगी, पागल तो नहीं हो गया? कंबल, अब जलाओ। पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। तो एलएमज पोजीशन यहाँ ले लेते हैं साहब, अगर दुश्मन को हमारा पता चल गया तो हम पर हमला कर देगा। ठीक है, दोनों तरफ एलएमजी फिट कर दो। ठीक है साहब। यही लगा दो, ये जगह ठीक है। अब तुम लोग जाओ, मैं संभालता हूं। गाने को अभी तक भूला नहीं है। कैसे भूल सकता हूँ यार, नूरजहां का गाना है, क्या आवाज है कमबख्त की। मरता है उस पे, इसको तो इश्क है उससे, उसकी आवाज से। हाँ यार, उससे भी है, मेरी चहेती हीरोइन रही है, मरता हूँ उस पर। उस पर तो दुनिया मरती है भाई मेरे। वो रात याद है जब हम राजस्थान में थे, बैरक्स में, रात का वक्त था, सब जवान सोए हुए थे और तूने गाना गाना शुरू कर दिया। क्या हालत हुई थी बेचारे ढोकल सिंह की, बीवी याद आ रही थी।
गम दिए मुश्किल कितना नाजुक है दिल ये ना जाना हाय हाय ये जालिम जमाना दिल के हाथों से दामन छुड़ा कर गम की नजरों से नजरें बचा कर उठ के वो चल दिए कहते ही रह गए हम फसाना हाय हाय ये जालिम इतना ना उसकी बीवी भाग गई है जरा उसका तो ख्याल करो यार अब बंद करेगा दिल अरे? ही टूट गया जब दिल ही टूट गया लो ये तो बाज ही नहीं आता कंबल के अंदर से गा रहा है अरे उसका दिल तो पहले से टूटा हुआ है अगर गाना ही है तो ऐसा कुछ गाओ जिससे उसकी बीवी वापस आ जाए यार वो गाना का तुम्हारी मनपसंद नूरजहां का जिससे तुम इतना इश्क करते हो क्या कहा नूरजहां का वही तो सुनो आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है दुनिया मेरी जवां है आबाद मेरे दिल में उम्मीद का जहां है दुनिया मेरी है दुनिया मेरी जवां है आवाज दे कहां है आ रात जा रही है यूं जैसे चांदनी की बारात जा चलने को अब फलक से तारों का कारवां है चलने को अब फलक से तारों का कारवां है दुनिया मेरी बंद करो मामा खोल खबीस किसने इजाजत दी फायरिंग की जनाब वहां कोई गा रहा था आवाज दे कहां है तो तू बताना चाहता है तू कहां है माफी चाहता हूं जनाब मुझे लगा वहां कोई हिंदुस्तानी दस्ता है तुम्हारा दिमाग खराब है हिंदुस्तानी फौज वहां 10,000 फीट की ऊंचाई पर गाना गाने आएगी कोई नहीं है वहां गुज्जरों के झोपड़े हैं वहीं से आवाज आई होगी नूरजहां का गाना था आवाज दे का मलिकाए तरन्नुम नूरजहां फिदा हूं उसकी आवाज पर यार शाहजहां फिल्म की हीरो थी ना बिल्कुल लाहौर में देखी थी ना हाँ हाँ सुना है अब तो नूरजहां बंबई से लाहौर आ गई है कहीं वहीं ना रह गई हो बंटवारे के बाद नहीं नहीं लाहौर आ गई है अरे अगर नहीं भी आई तो हिंदुस्तान पर हमला बोल के उसे यहाँ ले आएंगे वाह रे मेरे आशिक एक अलाउद्दीन खिलजी था जिसने एक हसीनाई खातर चित्तौड़ पर हमला बोल दिया और एक दूसरा तू है ज्यादा नहीं लगी वहाँ सब कुछ ठीक ठाक है उन्हें पता नहीं चला कि हम लोग यहाँ हैं देखा तेरी नूरजहां ने क्या गुल खिलाया यार बच्चन कहीं बंटवारे के बाद ये नूरजहां पाकिस्तान तो नहीं चली जाएगी अरे नहीं सुना वो नहीं जाएगी और अगर चली गई तो हम पाकिस्तान पर हमला बोल देंगे वाह क्यों नहीं अगर अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मनी के लिए चित्तौड़ पर हमला बोल सकता है तो हम नूरजहां के लिए लाहौर पर हमला क्यों नहीं बोल सकते भाई इश्क तो जरूर बोल सकते हैं इश्क तो जोरों पर है मेरे भाई अरे ओ नूरजहां के आशिक
पहले इस पाकिस्तानी पिकट से तो निपट लो। अल्फा थ्री, वेरी अर्जेंट मैसेज, कॉल टाइगर, ओवर। टाइगर है, ओवर। हम तैयारी में हैं, लेकिन गोलाबारी के लिए तोपे अभी तक नहीं पहुंची। ओवर। वो गन्स अचानक किसी दूसरे सेक्टर में भेजनी पड़ गई कैप्टन, तुम्हें बगैर तोपों की मदद के हमला करना पड़ेगा। बगैर गोलाबारी के हमला होगा? हमला तो होगा। तो जवानों को बढ़ा दिया जाए बगैर गोलाबारी के? जंग जंग है कैप्टन, तुम मैदान जंग में हो, किसी फूलों के बागीचे में नहीं। ये हमला कोई आसान बात नहीं कैप्टन, दुनिया के इतिहास में कभी कोई ऐसा हमला नहीं हुआ जिसे आसान कहा जा सके। यहाँ जवानों की हिम्मत पे असर पड़ा तो मेरी समझ में नहीं आता कि ये सब। तुम कंपनी के कमांड में हो, तुम कंपनी को कमांड करो। हमला 0130 आर पर हो जाना चाहिए। ओवर एंड आउट। तोपों की गोलाबारी की मदद नहीं मिल रही है, लेकिन हमला होगा रात को 1:30 बजे। वीरू सिंह, जवानों को तैयार करो। हमें फतेह मिलेगी और इस फतेह का हर एक पल जिंदगी के बाकी तमाम बरसों से बेहतर होगा। राजपुताना राइफल्स की इस कंपनी को फतेह चाहिए। हम हमले पे जा रहे हैं, फतेह नहीं होगी तो वापसी भी नहीं होगी। कोई सवाल? हमला 1:30 बजे। होशियार रहना। सरवर खान। जनाब, रात के 2 बजे तक तुम्हारी ड्यूटी है, अभी 1:30 बजा है। अयूब खान। जनाब, उसके बाद तुम आ जाना। जी। डेढ़ बजे पीरू सिंह ने हमला शुरू किया, फतह तो होगी, वापसी नहीं होगी। कदमों की आहट आ रही है। साला कहता था आवाज दे कहां हो, अब मैं तुझे बताता हूं मैं कहां हूं।
वायरलेस पर पाकिस्तानी अफसर बात करना चाहते हैं। यस। तुम्हारे आदमी धड़ाधड़ गिरते जा रहे हैं, अगर तुम लोग गोली चलाना बंद कर दो तो मैं तुम्हारे जवानों की लाशें तुम्हारे हवाले कर सकता हूँ और जख्मी जवानों को पाकिस्तानी अस्पताल पहुंचा सकता हूँ, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। सोच लो, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। मैं फिर एक बार तुम्हारे वायरलेस पर आऊंगा, मुझे तुम्हारी फ्रिक्वेंसी मालूम है। ओवर। तुम अपने किसी बड़े अफसर को वायरलेस पर बुलाओ, किसी अंग्रेज अफसर को, उसकी बात का यकीन किया जा सकेगा, तुम्हारी बात का नहीं। साला अंग्रेज अफसर की बात करता है। तुम कौन हो? मैं कमांडर हूँ हिंदुस्तानी कंपनी का। तुम्हारा नाम? और तुम्हारा? मैं यहाँ का कमांडर हूँ, इतना ही काफी है। तुम्हारे लिए भी इतना ही काफी है। फायरिंग नहीं रोकोगे? किसी हालत में नहीं। नुकसान तुम्हारा ही है। तुम अपनी फिक्र करो कमांडर, मेरे जवान हमले पर उतरे हैं, वापस नहीं लौट सकते। अगर कभी नूर जहां से मिलो तो उसे कहना कि एक हिंदुस्तानी सिपाही उसके नहीं पड़ा।
गोली लाओ। खत्म हो गई। राजा रामचंद्र की जय। कर्तव्य पालन से बढ़कर बहादुरी और बलिदान के लिए कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह को परमवीर चक्र प्रदान किया गया। तेरा महके हमेशा चमन ऐ वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। शान तेरी कभी कम न हो वतन, मेरे वतन।